खबर उन्नाव से है, जहां पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सपा कार्यालय में नाबालिग बच्चे लंच बॉक्स तैयार कर रहे हैं, जबकि सदर विधानसभा से डॉक्टर अभिनव जी शिक्षा की प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ही कार्यालय में नाबालिग बच्चों द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बच्चे लंच पैक कर रहे हैं। शायद उन बच्चों का भविष्य नेताजी को नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां युवाओं की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के प्रत्याशी अभिनव कुमार दीपक के चुनाव कार्यालय में छोटे बच्चों से काम करवाए जा रहे हैं। यहां पे लाके बसाए जाएंगे, जिसकी वजह से यहां के ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे काम कर पाएंगे, उसकी वजह से हम अपना घर चला पाएंगे। यही सब मुद्दे हैं, तभी हम चाहते हैं कि आने वाले 2022 में चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को वोट दे, ताकि विकास की साइकिल दोबारा उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंग्रेजी शराब के दुकान के पीछे बने गोदाम में रखा सिलेंडर आग की चपेट में आने से फट गया। सिलेंडर फटने से दुकान के आसपास मौजूद आधा दर्जन से लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तेज धमाका होने पर आसपास के लोग भी सहम गए। सूचना पर पुलिस के साथ पहुंचे दमकल कर्मियों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। घायलों को कांट रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आशियाना चौकी अंतर्गत प्रेमनगर है, वहाँ पे एक शराब अंग्रेजी शराब की दुकान थी, उसके पीछे एक हॉल था, वहाँ पे गैस सिलेंडर पे वो लोग कुछ काम कर रहे थे, दूध वगैरह उबाल रहे थे, बट उनका ध्यान उस पर नहीं गया, जिससे कि वो उबला और आसपास के जो आग पकड़ ली और गत्ते में लगी हुई आग से फिर वो गैस सिलेंडर की तरफ बढ़ गई और गैस सिलेंडर उससे फट गया। तो मौके पे जो उस पर बुझा रहे थे आग, उनमें से 5-6 लोग जो हैं उनको आग की वजह से जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनको कॉस्मोस में भर्ती करवाया गया है, जिसमें से एक अभी डिस्चार्ज हो गया, 5 लोगों का उपचार के बाद उनको भी जैसा होगा डिस्चार्ज किया जाएगा। ये इंग्लिश शराब की दुकान है, उसमें सेल्समैन है। हादसा सर, ये तो पूरी जानकारी वैसे मुझे है नहीं, पर यह है कि पीछे दुकान के पीछे एक छोटा सा गैलरी बनी हुई है, गैलरी में इन्होंने खाना वाना गर्म करने के लिए जैसे जाड़ों का समय चल रहा तो एक सिलेंडर रख रखा, चूल्हा और सिलेंडर, पता नहीं उसमें आग लगी। ये दुकान में अपने सेल कर रहे थे, पीछे से इन्होंने जाकर देखा तो आग लगी हुई थी, फिर इन्होंने बुझाने के आसपास के पड़ोसियों को बुलाया, 7-8 जने वहां पर आगे बुझाने के लिए, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे पास में एकदम विस्फोट हो गया सिलेंडर में।